हमारा रह रहा है, और वो है लिविंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जिसको आप न्यूक्लियो फ्यूगेबिलिटी भी बोलते हैं, फ्यूगेबिलिटी। तो ये है क्या चीज, चलिए पहले तो आप समझिए। यह आपके पास कोई एल्काइल है जिसके ऊपर ग्रुप अटैच हो रहा है, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बाहर निकल रहा है। और जब ये बाहर निकल रहा है तो हम आर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बन चुका है और हमारे पास ग्रुप बाहर निकल चुका है। बाहर निकलते ही इसका नाम हो जाएगा लिविंग ग्रुप। इसका निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी जगह कोई और आ चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। यानी लिविंग ग्रुप का यूज कब होता है, जब रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन, एक आता है और एक जाता है। अगर ये सीधी ऐड हो जाती तो फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ कौन सा ग्रुप अच्छा है, यानी एबिलिटी, लिविंग एबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी या लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ, ये माइनस होगा ऑब्वियसली, ऑफ लिविंग ऑफ एनायन, लिविंग एनायन, लिविंग एनायन। तो अब आप मेरे को बताइए कि स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ऑफ एनायन किसके प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा साइज होता है उतनी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चार्ज डिस्पर्स हो सके, चार्ज क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके। शुड बी डिस्पर्स। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, चार्ज डिस्पर्स हो सके या फिर रेजोनेंस हो सके, लेकिन कौन सा, जो उसे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि माइनस आर या प्लस आर, माइनस आर या माइनस एच या फिर माइनस आई, ये इफेक्ट उसकी कहीं ना कहीं लिविंग टेंडेंसी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सब चीजें उल्टी, प्लस आर प्लस एच प्लस आई। तो ये आपको लिखना है पूरा, तो बताइए, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लिविंग एबिलिटीज निकालना। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो कैसे हमारे लिए देखा जाएगा, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, या हम इस तरह से देख रहे हैं लिविंग एबिलिटी। तो आप मेरे को बताइए आपके पास कौन है, इस जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगी तो लिविंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल एनायन है। और इस तरफ अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे यानी कि हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या देखा जाता है, साइज, साइज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, यानी कि चार्ज डिस्पर्जन पहले लिख सकते हो, चार्ज डिस्पर्जन बढ़ेगा। डिस्पर्जन का मतलब फैलना, बड़ा होगा तो फैलेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो लिविंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। एले का मतलब लिविंग एबिलिटी, आप पूरी तरीके से लिखेंगे इसको। तो बताइए कौन ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, आप आराम से बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, CH3- या आप ही मेरे को बताएं, NH2- या OH- या एफ माइनस, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा इन सब में, क्या मैंने ये सही बनाया, एफ माइनस, Cl- Br- और I-, कौन अच्छा होगा। तो जनरली सबसे स्ट्रांग कौन होता है, I-। तो ये सारे स्ट्रांग, ये तीनों स्ट्रांग लिविंग ग्रुप है, और ये वीक है, इवन ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, ये तो वीक है, ये सब वीक है, पक्का, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं होता। हाँ ये है कि ये बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, ये थोड़ा कम वीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहां आपके पास हो जाता है एक ज्यादा वीक, एक कम वीक, लेकिन
आसानी से जो निकाल सकते हैं वो तो ये दो है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट क्लियर, कौन अच्छा लिविंग है कौन नहीं है, तो आ रही है बात समझ में? इसके अलावा रेजोनेंस की वजह से बहुत सारे अच्छे लिविंग ग्रुप हो जाते हैं, जैसे हम इस पे भी बात करेंगे, पहले ये लिखो। लेकिन कुछ सुपर लिविंग यानी कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ भी जा सकता है। तो एल्केन सल्फोनेट आयन आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, यहां पर भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छा है लिविंग ग्रुप है, ये भी बहुत स्ट्रांग लिविंग ग्रुप है। और टॉसाइलेट आयन्स हमारे पास क्या है, तो ये सारे हमारे लिए क्या है, एक तरह से ये सब हमारे लिए गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। और SO3 माइनस, यार रेजोनेंस भी है और CF3 का माइनस आई इफेक्ट भी है, तो ये सुपर लिविंग ग्रुप है हमारे लिए, ट्रिफलेट आयन सुपर लिविंग ग्रुप। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिसमें माइनस आई और रेजोनेंस माइनस आर बहुत ज्यादा है वो तो हमारे लिए सुपर लिविंग ग्रुप ही होगा, ये सब हमारे लिए क्या है, सुपर लिविंग ग्रुप है, तो आइडिया होना चाहिए कॉमन। हाँ बेटा, माइनस आई भी है और यहाँ पर माइनस आर भी है, तीन तीन ऑक्सीजन है ठीक है, जिनमें रेजोनेंस है, यानी SO3 ये तो है ही, उसके अलावा ये वाला जो ग्रुप है वो CF3 माइनस आई से अटैच है। तो ट्रिफ्लेट आयन और टोसाइलेट आयन ये हमारे लिए अच्छे लिविंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कई बार हम OTS ही लिख देते हैं। OTS का मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से हमारे लिए ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टोलुइन ग्रुप अच्छे अटैच हो रहा है हमारे लिए सल्फर के साथ, तो यही हमारे लिए टोसाइलेट आयन हो गया, लिखें इसको पूरा।